again, I'll just do what I do best. So good luck and kill it. And I'm here watching. दूसरे में support करूँगी पूरा. मैं किसको support करूँगी वो आपको नहीं बताता. I mean ideally I should be supporting these guys, but I spend half my life in hotels and everything. So मेरा दोनों तरफ soft corner है. But I'm wondering which song to sing. Come on, guys, suggest. Is better, yeah. Because why would I sing Nagin? What does it have to do? Unless. Hi, sir. Hi. How is the Josh? Hi.
ओके सो अभी इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा इंट्रोडक्शन भी कर लें, एक दूसरे की टीम को जानना भी बहुत जरूरी है। अंपायर नहीं मामा, तो ये आज के बराबर किसे हैं? हाँ, यस सर, हम ऑल गुड से हैं। ऑल ऑफ यू गाइस, सर आपका नाम? माय नेम इज संदेश। संदेश के लिए एक बार जोरदार तालियां और अमूल विजय। म्यूजिक बंद करा यार। आईपीएल भी हुआ था। आईपीएल नहीं, वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप, सॉरी। आप क्या कहना चाहोगे इस क्रिकेट वुमेन्स डे इज आल्सो कमिंग अप? यस, तो ये इनिशिएटिव जो है, जो फेफील्ड वुमेन्स कप जो शुरू किया, आई थिंक फेफील्ड के जीएम मिस्टर जॉय ने, जो यहीं पर है, बहुत ही, यस, बहुत ही कूल आइडिया है। ही इज द मैन बिहाइंड द आइडिया एंड आई थिंक इससे बेटर कोई वे नहीं हो सकता था वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का, क्योंकि what is women empowerment is about this only ki there is nothing that I know cricket usually man sport jana jata hai but women's cricket team jo hamari india ki bhi hai wo actually har jagah pe khelenge so this is very cool and especially kyunki inki jo team ki inki fairfield ki jo team members hai jo wahan pe kaam karti hai unki ek team hai versus kuch jo celebrity teams hai to wo dekhne mein bahut maza aayega and I think it's really cool and I'm sure He's their favorite, right? How would you like to say about the tournament? This is, it's a fun tournament. It's not very serious. We want people to have fun, the girls to have fun. And since it's Women's Day, we think it's a great idea that women empowerment, we all keep talking about. The government keeps talking about women empowerment. In our hotel, we have got 30% ladies working and we want to make it to 50%. I mean, that's the ultimate goal, that we should have an equal representation between girls and boys. Hospitality is one field where, fortunately, I mean, we say that girls do a great job. And that's something which we need more and more people to come and work. And that's our main goal. What do you think about women's day? I think, बहुत ही क्लीशे साउंड करता है, बट एक कोई दिन वैसे ज़रूरी नहीं होता सेलिब्रेट करने के लिए. And every day, you know, usually, but I also like it क्योंकि almost every women's day एक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक बार मैं अपनी मासियों को, एक बार अपनी नानी और बीजी को कहीं, क्योंकि एक बहाना मिल जाता है. सो एक्चुअली इन अ वे इट्स ऑल्सो गुड दैट देर इज़ अ डे बच्चों को और हस्बैंड्स को रियलाइज़ होता है कि अच्छा अपनी वाइफ को, अपनी मम्मीज़ को सेलिब्रेट करें. एंड आई थिंक इट्स रियली कूल एंड आई स्टिल थिंक कि वुमेन शुड बी, बिकॉज जो सुपर मैन जो टर्म है उससे ज़्यादा आई थिंक सुपर वुमेन होती है हर एवरी लेडी, स्पेशली आर मदर्स और आर ग्रैंड मदर्स, क्योंकि जिस तरह से वो मेरी भी मम्मी को मैं देखती हूँ, एक पूरा एक ऑलराउंडर वो जो देवी होती है ना, बहुत सारे हाथों के साथ, जस्ट लाइक कैसे कर, मतलब तैयार भी हो रही है, तूने खाना खाया, डॉग को खाना दिया, ये सो इट्स जस्ट आई थिंक इट्स अमेजिंग. यह द कंप्लीट आइडिया ऑफ मल्टीटास्किंग. यस, ओ माय गॉड. अगर सर जी जाते-जाते एक छोटा सा गाना इस टूर्नामेंट के लिए एंड वुमेन्स डे के लिए. यस, वुमेन्स डे के लिए मैंने एक गाना रिलीज किया था अभी जिसका नाम था रानी, फ्रिकेट रानी, तो उसकी चार लाइनें गा देती हूं बिकॉज़ इट्स वेरी एप्ट. I'm running every single day. Hat ja, get out the way. Bade dekhne main tere varge. I'm a freaking runny. Mainu koi parwah nahi. Thank you so much. Thank you so much. Excellent. Thank you. सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, बट माई फादर वॉज अ क्रिकेटर, उन्होंने रणजी खेली है यूपी से, सो क्रिकेट इज काइंड ऑफ इन माई ब्लड. मैं खेल ही रही हूँ, बट
अच्छा लग रहा है कि एक एक कॉज है एंड देयर सपोर्टिंग वुमेन एंड यू नो दैट मेक अ क्रिकेट मैच इंस्टेड ऑफ अ फैशन शो और समथिंग लाइक दैट क्रिकेट खेल रहे हैं सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी वुमेन के बारे में क्या कहते हैं आई डोंट थिंक एक दिन होना चाहिए वी शुड सेलिब्रेट वुमेन डे लाइक एवरी डे जो हत्याकांड हुआ था उदयपुर में टेलर का सर काटा था सो आई एम डूइंग अ फिल्म ऑन दैट सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड मेरी वेब सीरीज आने वाली है थर्ड अक्टूबर देन एक और वेब सीरीज आ रही है अतरंगी चैनल पे विच इज कॉल्ड काला एज सो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ रही है वो एंड मेकिंग अ फिल्म ऑन दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग हर चीज़ पे हमें ध्यान देना था एंड ताकि बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक सो काफ़ी ध्यान से बनाई गई है फिल्म इट्स गोइंग टू रिलीज इन मार्च सो आई होप यू गाइस वॉच इट थैंक यू सो मच प्रतीक्षा से अपेक्षा करते हुए एफएफएम की छोरियां एक टप्पा कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग ऐश्वर्या ने 13 रन ऐश्वर्या ने अपना ऐश्वर्य दिखाते हुए बहुत टपक लिया है बहुत बेहतरीन बैटिंग चले रिया और रिया कैप्टन की पारी अच्छी तरह खेल रही है के लिए आप लोग सब पहुंच जाइए थैंक यू पहली बार फिर एकदम हम लोग और सब चार्ज्ड अप थे थैंक यू आज का बहुत यूनिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था फेयरफील्ड बाय मैरियट ने एंड वुमेन्स कप था ये फॉर वुमेन डे इंटरनेशनल वुमेन डे के लिए बहुत समथिंग यूनिक आइडिया था तो बहुत अच्छा लगा और जीत के और भी अच्छा लगा वुमेन्स डे एक्चुअली हम लोग एक ही दिन क्यों मनाते हैं वुमेन्स डे हैज टू यस इट शुड बी 365 डेज सबको मालूम है कि एक नारी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसा नहीं है कि मेन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट बोथ ऑफ देम आर इक्वली इम्पोर्टेंट तो सबको साथ में मिलके ही चलानी है ये जो टूर्नामेंट था अगर बिग बॉस के कोई सदस्य के साथ अगर आपको खेलना हो तो कैसे तीन प्लेयर जो आपके अपनी टीम में चाहिए रहे तीन प्लेयर जो अपने टीम में चाहिए होंगे एक तो अभिषेक चाहिए होगा मुनव्वर चाहिए होगा और तीसरा विक्की भैया भी अच्छा खेले थे सलमान सर आए थे तभी शायद हाँ मुनव्वर ने भी काफी अच्छी बैटिंग मुनव्वर ने भी अच्छा किया एंड इसके अलावा आने वाले समय में किस तरह से हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड प्रोफेशनल वाइज Professional wise, many things are happening. Just wait and watch. I'm writing books. Yes. Three books are on pipeline. So let's keep our fingers crossed. By the end of the year, तीनों book आ जाएंगी. जो पहली किताब आई थी, जिसके बारे में lives behind the bars, उसके बारे में काफी चर्चा हुई. पिक्चर भी निकल गई अब जो दो किताब आने वाली हो किस तरह से होने वाली जो बिहाइंड बार्स जो पिक्चर स्कूप निकली है वेब सीरीज वो बिहाइंड बार्स पे जरा भी नहीं है उन्होंने राइट्स लिए थे लेकिन उसमें बहुत हार्डली 5% दिखाया गया है सो यस वेट फॉर समथिंग बिगर देन दिस देखते हैं आगे आगे क्या होता है तीनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मेरी लाइफ वुड यू लाइक टू से समथिंग योर नेम अबाउट द नो नॉट नाउ लेट देयर बी अ सस्पेंस लेकिन तीनों बुक मेरी लाइफ के ऊपर ही है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट अस कीप वो एक जर्नी रही है बिहाइंड बार्स से लेके बिग बॉस की जर्नी काफी 12 साल की एक्साइटेड रही है सो शायद उसके पे सब आधारित है लोगों को मेरे लव स्टोरी के बारे में बहुत वो होता है तो बुक में वो भी है जस्ट कीप वॉचिंग थैंक यू सो मच थैंक यू जितना मैं कुछ रिजल्ट कर लेगा चलो अरे भाई रिजल्ट में कुछ आएगी तो थक गया एक सेकंड ना एक सेकंड हम यहां पर अच्छा जिगना जी आप आ जाओ मचाया को राम नहीं है एक फोटो की बाइक का फोटो ले लिया ये मैं बोलना गुजराती में बोलना क्या कुछ भी बात कर गुजराती में तुम भी बात हो गई क्या हो गए एक मिनट जितना भी नहीं हां कुछ 1 2 3 चल थैंक यू